ने ऐसा सुना है, और सुना क्या है, सुनता हूं कि अब जादू है वो राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जाने डालने की है शक्ति महान इन चरणों में पत्थर आपका आज काम मुझसे है कि माँ गंगा को उस पार जाना है, तो काम केवल आपका नहीं बनेगा, बात कुछ ऐसी हो कि आपका भी बन जाए मेरा भी बन जाए, तो अपना और मेरा अब दोनों का काम बना लो राजा जी चरणों की रज पे संशय है चरणों की रज पे संशय है सो रज धुलवा लो राजा जी चरणों की रज पे ध्यान दे। इसी सुंदर परिस्थिति में ये श्रद्धेय व्यासपीठ जी के लिए सादर पुरस्कार, आपसे सादर निवेदन है व्यास जी महाराज, सांस्कृतिक एवं समाजोत्थान समिति छबौली को व्यासपीठ के माध्यम से आशीर्वाद देने की कृपा करें। व्यासपीठ सेवक राजपूत आर के रोशन, प्रबंधक सांस्कृतिक एवं समाजोत्थान समिति ग्राम छबौली, इनकी ओर से व्यास जी के लिए सादर ये 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं और आशीर्वाद की कामना है। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कार्य आपका भी हो जाए और हमारा भी हो जाए, चरणों की रज पर संशय है सो मैं चाहता हूं कि आप हमसे कहें कि केवट यदि चरणों की रज पे संशय है तो चरण धो लो। जो प्रभु पारे अबस जाचापू, जो प्रभु अबस जा चाहू, जो प्रभु पारे अबस जा चाहू, मोहि पद पदुमे पखारन चाहू, मोहि पद बस। केवट भैया तुम व्यर्थ में संशय कर रहे हो। अच्छा, हम व्यर्थ में संशय कर रहे हैं। अवश्य ऐसा नहीं है, ये सब ऋषि मुनियों की कृपा है। वह पत्थर पहले से ही श्रापित था, हम अपनी अयोध्या से चलकर के श्रृंगवीरपुर तक आ गए और वहां से रथ पर यहाँ आ गए। न जाने कितने कंकड़ पत्थरों से चलकर के आए हैं, लेकिन अभी भी कोई पत्थर स्त्री नहीं बना, ऐसा नहीं है। सुनो केवट भैया, की बट नहीं इस पार। देखिए ये केवल आपकी बातें हैं, आप हमें केवल भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। केवट भैया, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हम अयोध्या से यहाँ तक आए हैं, न जाने कितने कंकड़ पत्थर नारी बन जाते। और ध्यान दे, आप आदरणीय श्री नीरज राजपूत ग्राम अमूद, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं रामजी सरकार और केवट जी के सुंदर अभिनय पर 101 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। और यदि हम भी कह दें कि जिस प्रकार से आप अयोध्या से यहाँ तक आए हैं, उसी प्रकार से आगे भी चले जाओ। जैसे आप अयोध्या से निकले, एक नदी और पड़ती है सरयू, आप उसमें क्या केवट की आवश्यकता नहीं पड़ी आपको, वहां से कैसे पार हुआ? जिस प्रकार वहां से निकले थे वैसे यहां से भी निकल जाओ। केवट भैया, केवट नहीं इस पार, ये ऐसे नहीं, हमें तो बन जाना है। केवट नहीं बने
बने बनाए आप भ्रमण कर रहे हैं ये हमें ना बताएं। आप बने बनाए तो हैं, लेकिन बनना जिसको चाहिए उसे नहीं बना रहे आप। हमें डर लगता है कहीं हमारी काठ की नौका नैया बन गई, नैया बनी है और कहीं नारी बन गई तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। रघुबर नैया न लाऊं इस पार, रघुबर हर रघुबर नैया न लाऊं इस पार, हमें तो डर लागत है। रघुबर नैया न लाऊं इस पार, हमें तो डर लागत है। अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नाई, यही पित पालो सब परिवारू नहीं जानो कछु और कबारू। अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नाई, अवध से आए हैं तो क्या इसमें हमारी गलती है क्या? भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। देखिए आप झूठ बोल रहे हैं, बहन ने तो आपको पहले छोड़ दिया था। बहन कहाँ है आपकी? बहन नहीं, हाँ माता पिता मान सकते हैं, भ्राता मान सकते हैं, प्रजा मान सकते हैं, लेकिन बहन नहीं। अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी, पालो सब परिवारू नहीं जानो कछु और कबारू। भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। और केवट भाई ओ हमने छोड़ा कुटुम परिवार, बन गई किसी ऋषि मुनि के साथ में चली गई आए? तो एक तो कमाई चली गई, दूसरी लुगाई चली गई, संसार का अपयस मेरे सिर पर आ जाएगा। इसलिए रघुबर नैया न लाऊं इस पार, हमें तो डर लागत है। रघुबर धोना चाहते हो अवश्य, पत्थर से तो कुमल तो भारी नौका और उससे कुमल आप हो, शायद आप स्त्री बन गए फिर क्या होगा? तो ये तो और भी अच्छी बात है। क्यों? अभी पुरुष है तो कमा कमा के पूरे परिवार को खिला रहे हैं, फिर कौन खिलाएगा? और जब नारी बन जाएंगे तो हमें कोई खिलाएगा भाई? वो तो सिद्धांत है, नियम है। तो ये जो हमारे सिर का भार है ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आज आप केवट के घाट में हैं और जैसा हम कहेंगे वही सही है, क्योंकि केवल भक्त ही एक ऐसा होता है इस संसार में कि भक्त जैसा चाहे वैसा कह सकता है और भक्त जैसा चाहे वैसा कर सकता है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र होती है। भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, जहां पर भक्ति है वहां पर सारे सुख है, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। इक्यावन मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रसन्न होकर के गुप्त दान महाकल्याण इक्यावन मुद्राएं प्रदान कर रही हैं सुंदर संवाद में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप भक्त के
द्वार पर है। आपने कहा कहीं आप नारी बन जाए तो हम नहीं बन सकते, क्योंकि आपके चरणों की जो रज है वो जड़ को चैतन्य कर सकती है। जड़ ही करे चैतन्य, ना कि चैतन्य को जड़ नहीं कर सकती, ना ही तो परिवर्तित कर सकती है। ऐसा अभी तक किया नहीं है तो हम कैसे मान लें कि हम बन जाएंगे? फिर हम बन जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूँ पिछले जन्म की बात को याद कर रहे हो ना तुम। हम नहीं पिछले जन्म की बात। अच्छा आप भूले नहीं है अभी तक? हम क्यों भूलेंगे? देखिए अभी तक नाव बाकी है, और जब नाव बाकी है आप अपना परिचय ठीक ठीक हमसे बता नहीं रहे, और हम जान चुके हैं ये कोई साधारण नहीं कर सकता। इस संसार में ऐसे भी लोग होते हैं कि यदि शिष्टाचार ना करो तो कहो आपसे नाराज हो जाए, किसी से नमस्ते ना करो तो कहा क्यों सम्मान करना भूल गए क्या? ये सांसारिक लोगों का नियम है, ये क्रम है। और आप जैसे विशेष, जिनके पिता विशेष और स्वयं में आप विशेष और साथ में शेष, ऐसा व्यक्ति मांगने की बात करे तो ये चिंतनीय विचारणीय विषय हो जाता है। हेलो हेलो, हाँ, इंक्यावन रुपए का पुरस्कार हमारे राकेश कुमार एंड पुष्पेंद्र कुमार जी ममना वालों की तरफ से केवट जी और राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और 21 रुपए का पुरस्कार गुप्त दान में केवट जी और राम जी के सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। केवट भैया, मैं जानता हूँ जो तुमने पहले मन में सोचा, ये सौ मुद्राएं एक से एक मुद्राएं डॉक्टर विनोद सिंह राजपूत जी की तरफ से ये सुंदर संवाद में, केवट और राम जी के सुंदर संवाद में प्रसन्न होकर के एक से एक मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। अभी तक बहुत नाम बहुत बाकी है, मैं आ चुका हूँ। एक सिद्धांत है, जाने बिन ना होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक व्यक्ति जानता नहीं है मैं आपको जान गया हूँ, क्योंकि वही जाने जही देव जनाई, आप मेरे पास आए हैं, आपको मुझसे प्रेम है स्नेह है ये मैं जानता हूँ। और जब प्रेम स्नेह है तो फिर ये दूरियां क्यों? आपने भाई कहा है तो भाई को भाई से भी मिलना चाहिए, यद्यपि हम आपके गले नहीं लग सकते, गले नहीं लग सकते, क्योंकि यदि आपने भाई कहा है तो भाई होने के नाते हम आपके चरणों से ही मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है। जो मुख है वो है ब्राह्मण, भुजाएं हैं क्षत्रिय, उदर है वैश्य और चरणों को शूद्र माना गया है। इस संसार में हम भी शूद्र हैं और आपके चरण, तो बताओ एक शूद्र से मिलना चाहता है, भाई भाई से मिलना चाहता है, इसमें अनुचित क्या है? हृदय से नहीं लग सकते, हृदय से उन्हें लगाओ जिनकी जिनको आवश्यकता हो। हम तो केवल आपके चरणों में रहकर ही अपना जीवन, मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, बात तो हो ही रही है, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी, जन्मे मुनि यतन कराही अंतराम कही आपत नाही, जन्मो जन्मो
यतन कराई अंति राम कही आपत्ति नाही। और जब आप आ गए तो क्या मैं आपको वैसे अपनी नौका में चढ़ा दूंगा? नहीं, जब से आपको देखा है तब से आप हमारे नेत्रों के माध्यम से हृदय में आपको बसा लिया है। मैं तो प्रभु आ ही गया बस अभी नाव है बाकी, बाती तो हो ही रही है, बाती तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी, बाती तो हो ही रही है। गए तुम ही तुम्हा मेरी पहली नजर में, और दिल की हर एक धड़कन हाँ तुम्हें जानती है, कौन हो कैसे हो ये भी पहचानती है, दिल की हर एक धड़कन हाँ तुम्हें जानती है, कौन हो कैसे हो ये भी पहचानती है। मैं तो प्रभु आ ही गया बस अभी नाव है बाकी, बात तो हो ही रही है, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी। यदि आप माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं तो आज आपकी इन मीठी मीठी बातों में केवट आने वाला नहीं है। आप सीधी सी बात सुन लो, जैसा हम कहेंगे यदि वैसा करेंगे तो बात बनेगी, और नहीं तो वो रही दूर नैया और ये रहे दूर हम, और तुम दूर खड़े रहो भैया। हेलो, कोई मतलब, हेलो हाँ, 21 रुपए का पुरस्कार। केवट भैया कछु तुम कारी कछु हम कारी। अच्छा, हम तो कारे ही हैं, पूरे दिन पानी में रहते हैं, धूप में रहते हैं, नाम चलाते हैं। कछु तुम कारी कछु हम कारी, आज दोनों मिले का रे कारी, कछु तुम कारी कछु हम कारी, कछु तुम कारी कछु हम कारी, आज दोनों मिले का रे कारी कछु। अच्छा, हम कारे हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन आप कैसे काले हैं? अच्छा, तुम्हारा श्याम, अच्छा श्याम को काला तो नहीं कहा गया? वही श्याम गौर सुंदर, दो भाई, दोनों भाई सुंदर हैं, श्याम गौर ये विशेष होता है। आप कारे कह रहे हैं हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन आप नहीं। हम भले ही शरीर से काले हो लेकिन मन से काले नहीं है, क्योंकि निर्मल मंजन सोम ही पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। यदि केवट काला हृदय का भी होता तो आप मेरे समीप ना होते, तो मैं आपको काला नहीं कहूंगा, आप भले ही कहें। आप काले नहीं हैं, हम नाव वाले हैं तो आप भी तो नाव वाले हैं। हमें नाव वाले तुम हो नाव वाले, हमें नाव वाले तुम हो नाव वाले, आज दोनों मिले नाव नाव वाले कछु। केवट भैया तुम मन से कारी हम तन से कारी। देखिए, मैंने पहले कहा था यदि केवट मन से काला होता तो क्या राम जी आज केवट के घाट में होते क्या? केवट भैया
वही तो तुम मेरे लिए कह रहे हो। जो मन का काला है मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, या तो फिर ये गलत है। निर्जन मंजन सो मोहि पावा, तो इसका मतलब है कि मैंने आपको पाया है, आपके दर्शन कर रहा हूँ। और ये 21 रुपया हमारे कल्लू भैया जी चौकीदार छबोली वालों की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार केवट जी और राम जी के सुंदर संवाद पर प्रदान है। आपके सामने आने मात्र से आप तो यहाँ तक कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबही, तो जन्म कोट अघनासो, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं केवल आपके सामने आने में। और मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपसे बातें भी कर रहा हूँ, कि आप भी मेरे मन में कोई मैल है, मन का काला। तुम मन से कारी हम तन से कारी, आज दोनों मिलेगा रे कारी कछु, तुम कारी कछु हम कारी कछु, तुम कारी कछु हम कारी, आज दोनों मिलेगा रे कारी कछु। अच्छा देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि केवट को मन का काला ना कहो, और यदि हमने कहा तो फिर सुन ना पाओगे। देखा जाए तो सच्चे मन के काले तो आप हैं, लेकिन अपने आप को नहीं कहोगे, क्योंकि नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ अको न राम सन जान यथारथ। जहां पर स्वार्थ होता है क्या होता है, स्वार्थ में क्या होता है? जो मन का काला होता है वही स्वार्थी होता है। तो बताओ स्वार्थी मैं कि आप हमसे रारा मचा रहे हैं, बनवासी लालच में आ रहे हो क्या है? लालच में आ रहे हो क्या? नहीं, नाराज ना हो महाराज, गुस्सा ना हो, उतराई में कुछ नहीं मिलेगा, बनवासी का भेष देख रहे हो। देखो हम तो ये कहते हैं कि आप जाओ नहीं, आप मेरे समीप आए हैं तो आप, मैं आपकी यही व्यवस्था कर देता हूँ। ये भी जंगला है, 14 वर्षों के लिए आपको केवल समय व्यतीत करना है, ऐसा तो नहीं कि कुछ काम करना है आपको। काम करना है? क्या करोगे आगे जाके? बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ तुम जानकर के क्या करोगे? तो आप पार जाकर क्या करेंगे बताओ? मैं नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाओगे? ये मेरी मर्जी, बनवासी का भेष देख कर नहीं ले जाओगे? भेष से तो कोई मतलब है नहीं है, मन में तुम्हारी फिर लालच है। इसी भेष के न जाने कितने संत महापुरुष आते हैं, और मैं सबको बिठा के उस पार करता हूँ, आपको नहीं कर देता। लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, आप जो है वो बता नहीं रहे, और जो नहीं है वो परिचय दे रहे हैं। आपके मन में लालच आ रहा है भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। बिहारी बाबू हैं आप, बन के आए हैं है? दशरथ के आंगन में बिहार करने वाले आप कौन है? आप कोई साधारण नहीं हो सकते, और साधारण होते तो साधारण काम करते। या साधारण काम कैसे है? कहीं पत्थर को नहरी बना रहे हो, कहीं एक बाण प्राण हर लीना, और पद भी दे देते हो, तो ये सब